अब हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। अगर एसिड बेस ट्राइटेशन कर रहे हैं तो हमारे इंडिकेटर्स भी एसिडिक या बेसिक बिहेवियर ही शो कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक ट्राइटेशन में जो इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं वो भी कॉम्प्लेक्सेस बनाने का काम कर रहे हैं। रिडॉक्स ट्राइटेशन में हमारे इंडिकेटर्स खुद भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ही दे रहे हैं। तो बेसिकली जो इंडिकेटर्स हम एसिडिक एसिड बेस ट्राइटेशन में इस्तेमाल करते हैं उसकी केमिस्ट्री भी एसिड बेस रिएक्शन ही की तरह है, यानी एच पॉजिटिव जो इंडिकेटर के साथ अटैच है वो लिबरेट करेगा और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने पर इंडिकेटर का कॉन्जुगेट एसिड यानी नेगेटिव आयन और एच पॉजिटिव आयन उससे निकल जाएगा। सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर फिनोफ्थलीन, इसमें अगर ये एच पॉजिटिव आयन लिबरेट हो जाए तो यहाँ ओ नेगेटिव आयन जनरेट हो जाएगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे हम। एसिडिक कंडीशंस के अंदर अगर फिनोफ्थलीन को ऐड करते हैं तो वो कलरलेस है और अगर बेसिक कंडीशंस में जहाँ एच पॉजिटिव आयन इसमें से निकल जाएगा तो ये हमें पिंक कलर का मॉलिक्यूल शो होगा। यही हमारा एंड पॉइंट होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट हम इन इंडिकेटर्स का भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी पे डिपेंडेंट है कि हमारा इंडिकेटर किस पीएच रेंज में कलर चेंज कर रहा है, इसका अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है और जिस ट्राइटेशन में इसे इन्वॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट या वो किस पीएच चेंज में कलर चेंज करवा रहे हैं। हम इससे पहले ट्राइटेशन कर्व्स ऑब्जर्व कर चुके हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की ट्राइटेशन कर्व थी और ये ब्लू लाइन से वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की ट्राइटेशन कर्व है। अगर हम इस पीएच रेंज में कलर चेंज को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं यानी अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 पीएच, तो हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को यूज करते हैं। लेकिन अगर इस पीएच रेंज में जिसे 4 से 5 पीएच रेंज कहेंगे तो फिर हम मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन या कोई और पीएच जो कलर चेंज हमें इस रेंज में ऑब्जर्व करवाया जिसमें हमारे टाइट्रेंट्स या दोनों एसिड और बेस आपस में मिल रहे हैं वो हमें ज़्यादा बेहतर इंडिकेशन कर सकता है। ये कलर चार्ट हम देख सकते हैं कि अगर हम लिटमस पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिटमस पेपर तो हमें एसिड या बेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, यानी बेसिक रीजन में ब्लू और एसिडिक रीजन में रेड। लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर भी पीएच 7 पर अपना कलर चेंज करता है, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ पीएच रेंजेस में कलर चेंज कर रहे हैं। जैसे मिथाइल ऑरेंज है तो ये जिस रेंज में अपना कलर चेंज करता है वो पीएच 4 के आसपास है। अगर टाइट्रेशन के बाद हमारे रिएजेंट या हमारी टाइट्रेशन कर्व वो इस रेंज में कलर चेंज को ऑब्जर्व करवा रही है तो फिर हम मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं। मिथाइल येलो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, इस तरह फिनोल रेड को देख सकते हैं। फिनोफ्थलीन के लिए जो पीएच चेंज का आइडिया है वो पीएच 8 के आसपास अगर चेंज हो रही है टाइट्रेशन कर्व में तो फिनोफ्थलीन एक ज़्यादा बेहतर इंडिकेटर है। जो पिछली स्लाइड में हम सिर्फ कलर्स की फॉर्म में देख रहे थे, यहाँ हम पीएच रेंजेस और नंबर्स की फॉर्म में देख सकते हैं कि थायमल ब्लू 1.2 से 2.8 की रेंज में कलर चेंज करता है, रेड से येलो, एसिड से बेस बेसिक रीजन में जाएगा तो मिथाइल ऑरेंज 3.1 से 4.4, मिथाइल रेड 4.2 से 6.3, क्रिसोल रेड 7.2 से 8.8, फिनोफ्थलीन 8.3 से 10.0 कलरलेस से रेड होता है और एल्जरीन ये 10.2 से 12.0 इस रेंज में यानी बेसिक रेंज में कलर चेंज ऑब्जर्व करवाता है येलो से रेड। पोटेंशियोमेट्रिक ट्राइटेशंस को हम इस्तेमाल करते हैं उन तमाम जगहों पर जहां पर हम कलर्ड सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीनन जब हम वेस्ट वाटर के साथ एनालिसिस करें तो ये इंडिकेटर्स इस्तेमाल नहीं हो सकते। हमारे सॉल्यूशन खुद भी कलर्ड होंगे, इंडस्ट्री से वेस्ट जो निकल रहा है उसमें बहुत सारी डाइज इस्तेमाल होती हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो खुद भी कलर्ड सॉल्यूशन होंगे। वहाँ पर कलर ऑब्जर्व करना इंडिकेटर्स के जरिए मुमकिन नहीं होता। ऐसे तमाम सिचुएशन में हम इंडिकेटर्स की बजाय पोटेंशियोमेट्रिक ट्राइटेशंस करते हैं। इसी तरह अगर हमें कोई अप्रोप्रिएट कलर का इंडिकेटर मौजूद नहीं है तो भी पीएच मीटर को इस्तेमाल करते हुए हम एंड पॉइंट एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट को बहुत आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं।